सब्सक्राइब लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेस्ट बट तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी अमेजिंग स्नैक्स रेसिपी जो आप शाम के समय चाय के साथ आराम से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही प्रोटीन रिच रहती है बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बच्चे बहुत लाइक करते हैं क्योंकि इसमें मोसलीला चीज़ हम यूज़ करते हैं तो इस ईजी हो जाती है इसलिए इसका नाम चीज़ स्वीट कॉर्न रेसिपी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आज मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ और अगर आप चाहें आपके पास नहीं है तो नॉर्मल प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं तो देखिए मैंने इंस्टेंट पॉट ऑन कर लिया है पहले मैंने सॉटे मॉट पे इसको ऑन रखा हुआ है और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सिनेमन तो मैं इसमें हाफ स्टेक इसमें सिनेमन की डालूंगी क्योंकि पहले हमें स्वीट कॉर्न अपने बॉयल करने हैं तो देखिए पहले मैंने देन मैंने बड़ी इलायची ब्लैक वाली एक डाली है देन मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और मैं ऐड करूँगी एक टी स्पून के अराउंड शुगर यहाँ मैंने ब्राउन शुगर लिया है आप वाइट वाला शुगर भी ले सकते हैं तो यहाँ देखिए मैंने दो बड़े बड़े स्वीट कॉर्न ले लिए हैं उसको मैंने हाफ पीस में डिवाइड करके और अपने इंस्टेंट पॉट में रख दिया है बस अब हम, हम इसकी लीड लेड लगा के और इसको क्या करेंगे हम 15 मिनट के लिए प्रेसर कर देंगे और हाई प्रेशर पे मैंने डाला है इसको 15 मिनट के लिए आप चाहें तो इसमें दो तीन बिसल आप नॉर्मल प्रेशर कुकर में भी इसमें दे सकते हैं और मैं बिसल उसको ऑफ कर दूंगी और देखिए 15 मिनट बाद मैं इसकी बिसल क्या रिमूव कर लूँगी क्योंकि हमारे आ, अच्छे से ये कुक हो चुके हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसके कॉर्न निकाल लूँगी तो देखिए ये बनाने में बहुत ईजी है थोड़ा सा गर्म है इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है काटने में आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर करिएगा क्योंकि बाद में हम इसको सॉटे करेंगे तो फिर हमारा फिर से गर्म हो जाएगा और बारिशों का मौसम चल रहा है और बारिश में तो इस टाइप की रेसिपीज़ बहुत अमेजिंग लगती हैं तो देखिए इस तरीके से बन बाई वन हम अपने कॉर्न रिमूव कर लेंगे इसमें से तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है हैवी बॉटम का और उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डालना है पहले और बटर को क्या करना है मुझे चारों तरफ से घुमा लेना है जैसे कि मेरे स्टिकीनेस ना रहे पैन में और कुछ इस तरीके से बटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मेल्ट होने तक अच्छे से घुमा लूँगी तो बस मेल्ट होने के बाद हमें क्या डालना है अपने जो बॉइल्ड स्वीट कॉर्न थे वो डाल देना है और इसको थोड़ा सा घुमा लेना है जिससे बटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और बटर का फ्लेवर इसमें बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत टेस्ट ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ट्रस्ट में ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बारिश में हो या ठंडों में आप इसको बना के खाइए बहुत ही टेस्ट आता है तो देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा मैंने इसको घुमा लिया है देन मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर काली मिर्च को मैं अच्छे से क्रश करके डालूंगी तो देखिए पहले मैंने इसको घुमा लेना है अच्छे से और हमें क्या इसका स्वीट कॉर्न का जो टेस्ट एक्चुअल टेस्ट है उसको भी स्वीट ही रहने देना है तो ज़्यादा इसमें आ, मसाले नहीं डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है क्रश करके देन मैं ऐड करूँगी इसमें आ, चिली फ्लैक्स तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा और यहाँ पर ऑर्गेनो मैंने डाल दिया है मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं और ये जितने भी चीज़ें हैं सब नॉर्मल किचन में होती ही हैं और इसको बनाना इसीलिए और आसान हो जाता है क्योंकि सब चीज़ें जो हैं बहुत ही बेसिक कुकिंग की हैं तो बहुत जल्दी बन जाती हैं चीज़ें ये तो देखिए थोड़ा सा हल्के मसाले को मैं इसको घुमाने के बाद मैं इस पर ऐड करूँगी लेमन जूस तो देखिए यहाँ पे वन टू टेबल के अराउंड मैंने इसमें लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है हम बस उसको मिला लेंगे अच्छे से जिससे सारे मसाले हमारे अच्छे से फ्लेवर अच्छे से आ जाएं और बहुत जल्दी बन जाता है और अब देखिए हम चीज़ी स्वीट कॉर्न बना रहे हैं तो चीज़ के बिना तो ये इनकम्प्लीट ही है तो इसमें मैंने करीब टू टेबल स्पून मोज्रेला चीज़ लिया है आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का चीज़ यूज़ कर सकते हैं और तुरंत ही आप इसको बॉल में सर्व कर लीजिए क्योंकि चीज़ ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा तभी भी मज़ा नहीं आएगा और देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्वीट कॉर्न चीज़ी स्वीट कॉर्न रेडी है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है बहुत ही अमेजिंग होता है टेस्ट के टेस्ट में भी और हेल्थ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत टेस्टी होता है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से स्वीट कॉर्न की चीज़ी स्वीट कॉर्न की रेसिपी तैयार करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की ईजी ईजी रेसिपी हमेशा लाती रहती हूँ और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय Please subscribe, like, on and share my channel. Thank you.